स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सम टॉपिक ऑफ फॉर क्लासेस दैट स्टूडेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस अबाउट एलिमेंट। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ऑल मटेरियल आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। दीज आर अबाउट 140 known elements, for examples like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीटीसी। स्टूडेंट्स यू बाई ए पीरियडिक टेबल ऑन द मार्केट्स एंड लर्न ऑल द एलिमेंट्स नेम। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप मार्केट से जाकर के पीरियडिक टेबल, मेंडेलियन पीरियडिक टेबल आप ले लीजिए, लेकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल आप लर्न कर लीजिए, ताकि आपको जब भी इसके बारे में बताया जाए तो आपको तुरंत जानकारी हो जाए कि कौन सा एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या है। यदि आप पीरियडिक टेबल से लर्न नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स पीरियडिक टेबल में क्लॉक वाइज एलिमेंट्स का नाम दिया है उसमें एसपीडीएफ, लेकिन आपको वो नहीं लर्न करना है, सिर्फ आपको एलिमेंट्स और उनके सिंबल लर्न करना है। जैसे यहाँ हम 20 एलिमेंट्स का जो है नाम सिंबल उनका यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपके नोट कर दिया है। स्टूडेंट्स आप पीरियडिक टेबल से इनको लर्न कर लीजिएगा। यदि आप सिंबल के साथ साथ उसका नाम भी उसमें लिखा रहता है, यदि आप लर्न नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर मेटल या नॉन मेटल तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल नॉन मेटल। देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड मेटलाइड्स। सो स्टूडेंट्स वी से एलिमेंट्स आर मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड्स। मेटलाइड मीन्स एलिमेंट्स दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ पांच एलिमेंट्स। पांच एलिमेंट मीन्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर को रखते हैं, उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेटलाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स मेटल्स। मेटल्स आप देखे भी होंगे, टच भी किए होंगे स्टूडेंट्स। मेटल्स आर जनरली साइन। स्टूडेंट्स जो मेटल होती है वो हार्ड होती है, साइनिंग होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो मेटल है स्टूडेंट्स वो हार्ड होती है, कठोर। जैसे आयरन आपने कभी टच किया होगा, एल्युमिनियम आपने टच किया होगा, कॉपर आप टच किए होंगे, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, साइनिंग होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
स्टूडेंट्स जो मेटल होते हैं वो खुद कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वी से मेटल्स, मेटल्स आर हार्ड शाइनी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, यूरेनियम एंड जिंक। स्टूडेंट्स गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, यूरेनियम एंड जिंक, स्टूडेंट्स ये वो मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स गोल्ड और सिल्वर ये बहुत कॉस्टली मेटल है, इसलिए हम जो है इनका इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाते। जो थोड़ा सा सस्ती मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, लो प्राइस की मेटल्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब का हम जो है वायर बनाते हैं। मेटल में कुछ एक्सेप्शन भी हैं स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस मरकरी इज ए लिक्विड फॉर करें स्टूडेंट्स, जहां सारे मेटल सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पर, वही एक अपवाद भी है इसमें मरकरी, मरकरी मेटल है लेकिन यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम ये सार सारे किलो डेंसिटी होती है इसके, स्टूडेंट्स जब आप पीरियडिक टेबल याद कर लेंगे सोडियम की बात हम करते, देखो सोडियम यहाँ एक है। तो इस तरह से जैसे ही हम नाम लेंगे आपका ध्यान तुरंत पीरियडिक टेबल पर जाएगा और ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका सिंबल क्या है आप जान जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेटल में मेटल इज ए हार्ड शाइनी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, यूरेनियम, जिंक, बट मरकरी के एक्सेप्शन दे हैव लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम इज सॉल्ट सॉलिड विथ लो डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स नॉन मेटल। स्टूडेंट्स अभी मेटल में आपने पढ़ा मेटल हार्ड शाइनी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं स्टूडेंट्स दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी जस्ट मेटल के अपोजिट। मेटल क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल क्या होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नॉन मेटल आर टाइपली ब्राइटर मेटल एंड आर नॉट इजीली मोल्डेड इनटू सेल्स। मेरा जो नॉन मेटल होते हैं वो मेटल्स एंड आर नॉट इजीली मोल्डेड इनटू सेल्स, करें से आप आसानी से मोड़ नहीं सकते, जबकि मेटल में क्या करते हैं वो उसके ऐसे करेक्टर से आसानी से आप मोड़ सकते हैं, गला करके पतले पतले वायर को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये पावर को रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ब्रोमीन, ही मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड साइन। अरे जितने मेटल्स का हमने नाम लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये मेटल ना तो हार्ड है और ना ही साइनी है। दीज एग्जिस्टिंग गैस आर सॉलिड फॉर्म, करें ये जो मेटल है गैस अथवा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स जब वह गैस होगी तो सॉलिड हो ही नहीं सकते। सॉलिड में आपने पढ़ा है स्टूडेंट इसका सेप साइज वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है, और गैस में कुछ नहीं फिक्स होता। ब्रोमीन आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, स्टूडेंट्स नॉन मेटल में भी ये क्या है एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है लिक्विड फॉर्म में, जैसे आपने मेटल में क्या देखा मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म देखा कोई एक्सेप्शन था मेटल में, ठीक उसी तरह से नॉन मेटल में ब्रोमीन है
जो क्या है एक्सेप्शन है और लिक्विड फॉर्म में होता है उनका नेचर का। अपने स्टूडेंट्स
फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर। जैसे स्टूडेंट फिजिकल स्टेट की बात की जाती है तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पर एलिमेंट की एक्टिविटी में क्या चेंजिंग होती है या वह किस अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। फिजिकल स्टेट मैटर आर एनर्जी सारे को इससे उत्पन्न करेंगे। जैसे हम रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल को रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो सारे मेटल हार्ड होंगे यानी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन सिर्फ मरकरी को छोड़कर। यदि रूम टेम्परेचर पर हम सारे मेटल्स को रखते हैं स्टूडेंट्स, तो सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, हार्ड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। इसको छोड़कर स्टूडेंट्स मरकरी, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड गैलियम दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर्म, मरकरी और गैलियम, मरकरी और गैलियम ये दोनों स्टूडेंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर। यदि हम मेटल की बात करें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि हम मेटल को बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर। जब हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी को और गैलियम को छोड़ दीजिए, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इन सबको लर्न करना है आपको स्टूडेंट्स। आपके बुक के पीछे साइज दिया है स्टूडेंट्स, उसमें फिलिंग इन लाइंस, नॉलेज इन कॉलम्स, ट्रू फॉल्स, इस सब में इन सब विकल्पों को भरने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नॉन मेटल। नॉन मेटल आर जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड एट गैस एंड रूम टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम सब मेटल को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ मरकरी और गैलियम को छोड़कर। लेकिन इफ वी पुट नॉन मेटल इन रूम टेम्परेचर तो ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट गैस फॉर्म। ऑल जो मेटल है वो क्या होंगे, सॉलिड और गैस फॉर्म में होंगे, कार्बन सल्फर आर सॉलिड, ब्रोमीन में भी अच्छा है स्टूडेंट, ब्रोमीन क्या है ये लिक्विड फॉर्म में है, ब्रोमीन क्या है स्टूडेंट्स ये लिक्विड फॉर्म में है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या है गैस फॉर्म में है, कार्बन और सल्फर जो है ये क्या है सॉलिड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स इन सब पॉइंट को आपको लर्न करना है कि मेटल में कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन लिक्विड फॉर्म में है, नॉन मेटल में कौन सा लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है और कौन गैस फॉर्म में है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ मींस स्ट्रांगेस्ट, हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रांग, यानी जितने भी मेटल है स्टूडेंट्स वो प्राय हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, बट मरकरी एंड गैलियम मरकरी और गैलियम को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी मेटल हैं वो मेटल्स हैं, वो सभी एकदम हार्ड। सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम विच आर शार्प एंड कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, करें ये ऐसे मेटल्स हैं स्टूडेंट जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, मेटल तो है लेकिन ये क्या है साफ मेटल है, लेकिन ये क्या है साफ है, जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम आर साफ। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग एज मेटल, स्टूडेंट मेटल आर वेरी स्ट्रांग बट नॉन मेटल
स्ट्रांग होता है स्टूडेंट्स, उसी तरह से नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होता, बट डायमंड की जाने से अच्छा करेक्ट इसमें जो डायमंड है वो स्ट्रांग होता, लेकिन सारे नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते स्टूडेंट्स। एंड हार्डेस्ट वन सब्सटेंस करेक्ट, सिर्फ इसमें क्या है डायमंड जो है वो क्या होता है मेटल जैसे स्ट्रांग होता है। ये पॉइंट भी आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सारे नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते, सिर्फ डायमंड क्या होता है स्ट्रांग होता है, और मेटल में क्या है सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल है, ये सॉफ्ट जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं स्टूडेंट्स। सब टॉपिक का इक्वल प्रॉपर्टी We are discuss about in next day, next chapter. Okay, thank you.